कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही इस बात पर कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी, उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने माना। लेकिन स्मृति ईरानी ने आज इस मुद्दे को उठाया। सोनिया गांधी ने इसे पूरी कांग्रेस पार्टी से जोड़कर कहा कि न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी ये बात पचा नहीं पा रही है कि द्रौपदी मुर्मू देश की आदिवासी समाज से निकल कर आने वाली एक गरीब परिवार की महिला आज राष्ट्रपति बन गई है। स्मृति ईरानी ने आज क्या कहा लोकसभा में, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सोनिया जी सैंक्शन। I demand an apology from the president of the Congress party who herself being a woman has allowed her leader in the Lok Sabha to speak insultingly about our Rashtrapati. Srimati Sonia Gandhi should come before the nation and apologize to the Rashtrapati and also to the entire country for the insult that her own leader in the Lok Sabha has very generously, it is not a slip of the tongue, it was a deliberate cry to insult the Rashtrapati, and this is unacceptable. I demand an apology from Srimati Sonia Gandhi. Thank you. It is too much that nobody is supposed to make any derogatory comment against the President of India. Making such comments is bad. Even the Constituent Assembly, this matter was discussed and it was stated Rashtrapati has to be used, and I don't know why it has happened and it is wrong. I have told you to go back to your seats, don't show the placards. You don't want it, then they are protesting against loose comments made against the President, not in the House. तो आपने सुना, लोकसभा में स्मृति ईरानी और राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। एडजर्नमेंट की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही आज लगातार हो रहे हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है।
तो एक तरफ जहां लोकसभा में स्मृति ईरानी ने आज मोर्चा संभाला, उन्होंने माफी की मांग की, सोनिया गांधी से माफी की मांग की गई। अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया देश के सर्वोच्च पद के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, ठीक उसी तरीके से निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये जानबूझ करके अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल अब दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और राज्यसभा की कार्रवाई भी अब स्थगित हो गई है। आज संसद से लेकर सड़क तक बवाल हुआ है। संसद परिसर के भीतर जहां बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो आपको बता दें कि सदन के बाहर आज बीजेपी को घेरने के लिए तमाम रणनीति विपक्षी पार्टियों की प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आज सदन के भीतर अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर जमकर बवाल हुआ। एक तरफ लोकसभा में जहां स्मृति ईरानी, तो राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई। निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि ये डेमोक्रेटिक ट्रोल है, ये जानबूझकर किया गया है और देश की महामहिम को, मैडम प्रेसिडेंट को अपमानित किया गया है। दोनों सदनों की कार्रवाई फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो डिलिबरेटरी ये इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी जानबूझकर ये इस्तेमाल किया गया। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। आपने देखा राज्यसभा लोकसभा दोनों की तस्वीरें, तो वहीं संसद के बाहर बीजेपी की महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र की पत्नी कहकर अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, सोनिया गांधी इसके लिए माफी मांगे। तो इससे पहले संसद भवन परिसर में भी बीजेपी के सांसदों ने अधीर रंजन के बयान के विरोध में प्रोटेस्ट किया। सभी ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।